हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एच सी एस फाइनल रिजल्ट हैज़ कम एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर होपिंग टू गेट अ सर्विस. तो कमीशन ने सारे कैंडिडेट्स के मेंस के मार्क्स अलॉन्ग विद इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज किए हैं एंड डेफिनेटली इट्स अ मिक्स फीलिंग फॉर अस. We are happy as well as sad. Happy for those students who are able to make it, but at the same time we feel slightly sad for those who are not able to make it. So definitely a word of congratulations to those who have cleared this exam. So your hard work has paid off and I hope that you will do the service, do the job with greatest of your zeals and log zarur aapki sevaon se benefit honge. And you will keep on working for this country and for the state with full your full potential. अब जिन लोगों का नहीं क्लियर हो पाया है, इट्स अ वर्ड ऑफ मोटिवेशन फॉर देम. देर इज नॉट नेवर अ डेड एंड. आप ये समझिए कि एच एस दूसरा आने वाला है अभी. और विदाउट वेस्टिंग टाइम माई पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि हम जो कमियाँ हैं हमने पिछले अटैम्प्ट की, जो भी हम जहाँ पर भी इम्प्रूव कर सकते हैं वो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें. और अगर आप बहुत केयरफुली एनालाइज़ करें अपने ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें, तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू का जो टोटल बैंड है इट्स नॉट मोर देन 20 मार्क्स. 20 नंबरों का बस ऊपर नीचे ही है. 30-50 मार्क्स एवरेज लगा के चलें आप. इंटरव्यू के नंबर इसी दो फिगर्स में फॉल कर रहे हैं ना, 30 से ज़्यादा कम बहुत लोगों के, ना 30-50 से बहुत लोगों के ज़्यादा. एक्सेप्शनली 30 से कम बहुत कुछ लोगों के, एक्सेप्शनली 50 से ऊपर. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फॉलिंग इन दिस बैंड 20-50. ठीक है, तो आप ये देखिए 20 नंबर का ये आपका बैंड है. और मेंस जब 20 नंबर का ये सिर्फ बैंड हो तो मेंस डिफाइनिंग रोल प्ले करता है. सो इट्स अ टाइम दैट यू शुड सिट एंड रीथिंक अबाउट योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. क्योंकि जब हम एक बार प्री हो जाता है, प्री का रिजल्ट आ जाता है, अगर हम उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका जो इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल है बहुत कम है, लर्निंग बहुत कम होती है. इट्स मोर ऑफ अ कॉन्टेंट प्रैक्टिस रादर देन लर्निंग. तो मैं ये हमेशा चाहता हूँ और मैं ये ट्रेंड देखा है लास्ट 25 साल से कि जो बच्चे शुरू से ही ओरिएंटेड होते हैं कि हाँ अब जैसे रिजल्ट नेगेटिव आया है, डेफिनेटली इट्स अ थिंग टू बी यू फील शुड फील सैड अबाउट. बट ठीक है, एक दो दिन सही है, लेकिन अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप ज़रूर शुरू करें और अपनी अपनी सारी एनर्जीज़ को नेक्स्ट अटैम्प्ट के ऊपर डालें. PCS भी आने वाला है, HCS भी आने वाला है और आई थिंक दैट यू विल डू वंडर्स इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट. So just lend you a helping hand, I have formed a WhatsApp group for the State Civil Services Mains Answer Writing. जो भी बच्चे चाहे जिनकी सिलेक्शन हो गई है, दे वॉन्ट टू इम्प्रूव, या जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए वो आगे इसमें कुछ हेल्प चाहते हैं फॉर मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली इन द सेंस कि जितना मैं कर सकता हूँ, आई कैन गिव यू फ्यू लेक्चर्स टिप्स ऑन मेन्स आंसर राइटिंग. आप मुझसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के चेक करा सकते हो, है ना. आई कैन गिव यू एन आर्ट ऑफ राइटिंग इन मेंस, है ना. कई बार हम बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं बट लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते एंड फील सैड कि अरे इतना अच्छा लिखा था फिर भी नंबर नहीं आए. और कम अच्छा लिखने से कई बार ज़्यादा नंबर आ जाते हैं. चलिए वो बात करेंगे आगे. तो ये ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लगा दिया है, तो आप उसको क्लिक करके यू कैन ज्वाइन द चैट ग्रुप. तो उसमें मेरे जो भी वेबिनार आप लोगों के लिए करूँगा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, उसके लिंक आपको उसकी इंटीमेशन आएगी. और कुछ जो और चीज़ें हैं, कुछ टिप्स ऑन मेंस आंसर राइटिंग, वो हम भेजते रहेंगे आपको. प्लस आप मुझे व्हाट्सएप पे यू विल बी इन अ पोजीशन टू सेंड मी अ फ्यू आंसर्स जो आपका बेस्ट आंसर है, चेक कराने के लिए कि हाँ इसमें कितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट, सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव क्लियर दिस एग्जाम एंड आर होपिंग टू गेट द सीट एंड अ पीस ऑफ मोटिवेशन टू दोज हु आर अनएबल टू क्लियर एंड डेफिनेटली यू विल मेक इट नेक्स्ट टाइम. राइट, थैंक यू वेरी मच. Thank you.